हेलो बच्चों, तो कल हमने किया था 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो था हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सर। तो आज का जो बच्चों हमारे पास टॉपिक है, कल मैंने बताया था आपको कि हम करने वाले थे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को करने से पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, या तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का, या फिर हमें नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको रिडक्शन पोटेंशियल पूरा ही करवा दिया जाए, जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दैट मींस कि आपके बुक के अंदर ये टॉपिक है द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं, किस में लेते हैं, और IUPAC ने इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो हम कल करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, की एक सेल को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो कल मैंने नहीं बताया था। और उसके बाद हमारे पास होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंप्लीट कंसेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कल हमने जो किया था, फॉर एग्जाम्पल कल हमने क्या बनाया था, हमने लिया था सोडियम क्लोराइड का क्या लिया था बच्चों, हमने मोल्टन फोम के अंदर एक सेल बनाया जिसमें हमने क्या ली थी, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स का यूज किया था। फिर हमने किसका कनेक्शन किया था, एक बैटरी का भी उसको कनेक्शन दिया था। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन, की हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कि आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आप उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे दोगे। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये किसमें होता है, ओनली वन बीकर के अंदर, एक ही बीकर के अंदर होता है। और इसमें कितनी रिएक्शन होती है, दो रिएक्शन होती है, एक ही बीकर के अंदर दो रिएक्शन होती है, क्योंकि दो हमने अलग अलग इलेक्ट्रोड प्रयोग किए हैं। और वो दो रिएक्शन जो है उसमें से रिडक्शन वाली को कहा जाता है हाफ रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक हाफ रिडक्शन सेल, और सेकंड को क्या कहा जाता है, हाफ ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, याद रखना बात है कि जहां रिडक्शन था वो क्या है, पूरे सेल की हाफ रिएक्शन है, जहां ऑक्सीडेशन था वो क्या है, पूरे सेल की हाफ रिएक्शन है। तो वो थे आपके पास हाफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। आइए मैं बताऊं आपको कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहां है। वैसे पूछा नहीं जाता, ना ही तो ये बोर्ड की एक क्लास के अंदर कभी पूछा गया है, ना ही कभी इसका जेई के अंदर आया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको बता दिया जाए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक बार आया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, मतलब हमें एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें ना रिप्रेजेंटेशन का यूज किया था, क्या बताने के लिए, उसकी कंसेंट्रेशन को, टर्म्स को बताने, टेम्परेचर को बताने के लिए। और पूछा गया था इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर, नर्स इक्वेशन को पूछा रिप्रेजेंटेशन दे करके। वो एक ही टाइम आया था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर जेई के अंदर। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आपके पास ये बीकर है, तो हमने सबसे पहले ये किया, अब यहां आपको लिखना होता है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है कि कौन सी फॉर्म के अंदर क्या ले रखा है आपने, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सी फॉर्म में ले रखा है, आपको वो स्टेट यहां पर डिस्क्राइब करनी होती है। इसके बाद लिखा जाता है किनको, आयंस को, किनको लिखते हैं अपन, आयंस को। फॉर एग्जांपल इस केस के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर मैं केटायन और एनायन की बात करूं तो यहां हम क्या लिखते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट को लिखते हैं। इसके बाद लिखा जाता है कंसेंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेंट्रेशन की, कितना मोलार कंसेंट्रेशन, 1, 2, 3, 4 स्टैंडर्ड की भी बात करेंगे, लेकिन आयंस की कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर दैट लिखा जाता है टेम्परेचर, रीजन, क्योंकि टेम्परेचर और कंसेंट्रेशन दोनों का इफेक्ट होता है आयंस के डिसोसिएशन पर, दोनों का फर्क पड़ता है स्टेट के कारण। क्यों, क्योंकि मोल्टन स्टेट की अगर आप बात करो ना, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो मतलब क्या है कि स्टेट का टेम्परेचर से रिलेशन तो है, तो मतलब हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पूरा जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें स्टेट क्या है, उसकी स्टेट है तो टेम्परेचर उससे डिफाइन होगा, कंसंट्रेशन कितना है उसका, टोटल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जब बनाया गया, आयंस जो है वो क्या क्या है, क्लियर बात है। आफ्टर दैट इधर लिखा जाता है किसे, कैथोड की रिएक्शन को, और इधर किसे लिखा जाता है,
एनोड की तरफ होने वाली रिएक्शन को। क्लियर बात है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, हमें पता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल है, क्या है, जो मेटल है ये किस में बदल जाता है, मान लो ये जो मेटल है वो क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो मान लो इसने n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर, ऑक्सीडाइज हो गया जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस n ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया। इसका मतलब इधर तो हमने क्या ऑक्सीडेशन लिया ना, यहां आपको क्या लिखना होता है, मैं एक बार ना पूरी रिएक्शन लिख देता हूं। ये आपके पास क्या था, सोडियम क्लोराइड था। अच्छा, ये कौन से मीडियम के अंदर दिया गया था, मोल्टन स्टेट के अंदर था। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस जब आपने करवाया तो क्या मिला आपको, Na पॉजिटिव और क्या था, Cl नेगेटिव। और ये क्या करते हैं, Na प्लस में क्या करते हैं, हाफ ऑफ Cl2 का प्रोडक्ट बनाते हैं। और कल हमने बात ये की थी, जहां आपको क्या देखने को मिलेगा कि Na जो है वो Na पॉजिटिव जो है वो किसमें, Na जीरो के अंदर। दैट मीन्स कि सोडियम का क्या हुआ, रिडक्शन। क्लोरीन जो था वो माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुई ना बात ये? तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन जब भी आप देते हो, जब भी आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, तब आपको ये बताना होता है कि जो आपके पास एनोड की तरफ की रिएक्शन है वो क्या है, और कैथोड की तरफ की जो रिएक्शन है वो क्या है। मतलब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होती है, किस पे होता है और क्या बना है, और रिडक्शन की जो रिएक्शन है वो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रही है, प्रोडक्ट क्या बनता है, मेन बात ये है। ठीक है ना, यहां हमें क्या लिखना होता है कि एनोड की साइड में कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा, कैथोड की साइड में कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा, हमें इस बात को लिखना होता है। क्लियर है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, किसका है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है। ये क्या है, बीकर को दिखाता है, कौन सी, जो बीकर के अंदर मैं चीज यूज कर रहा हूं, क्या क्या यूज किया, स्टेट देखा है, आयंस कौन से लिए हैं वो देखा है, मोलर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। आफ्टर दैट क्या है, एक तरफ क्या बनेगा, कैथोड, एक तरफ क्या बनेगा, एनोड, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में क्या ले लेना, एनोड किसने कहा है, आईयूपीएसी बात कर रहा हूं बस, कि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में आप किसको यूज करते हो, एनोड को, उस साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही लेना है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो स्टैंडर्ड लिए जाते हैं ना। मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि हर कोई अपना रिप्रेजेंटेशन बना करके उसको यूज कर ले, तो वो तो स्टैंडर्ड यूज करने पड़ते हैं हमें। और वो हमें क्या है कि लेफ्ट साइड में आप किसका यूज करोगे, एनोड का यूज करोगे, और वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसकी रिएक्शन होगी, कैथोड के साथ रिडक्शन होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिखा जाएगा। और इसको हमेशा कौन सी साइड में यूज किया जाता है, राइट साइड में यूज किया जाता है। तो क्लियर है बच्चों बात ये? तो आइए हम सोडियम क्लोराइड का जो हमने एग्जांपल ले रखा है इसका यूज करके एक बार देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सर यहां तो स्टेट कौन सा है, मोल्टन स्टेट है, जो आयन है वो क्या है, NaCl के है। आफ्टर दैट क्या है, कंसंट्रेशन, मान लो 0.2 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन मैंने बनाया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्या लिखूंगा, 0.2, फिर कोमा, सम टाइम तो ये होता है आपके पास 0.2 और फिर लिख दिया जाता है 298 या 300 केल्विन जितना टेम्परेचर है, या फिर इसको लिख दिया जाएगा 0.2 एंड अपॉन में क्या लिखा होगा, मतलब नीचे क्या लिखा होगा इसके, फिर होता है आपके पास टेम्परेचर, दैट मीन 300 केल्विन, और 1 बार कई बार प्रेशर का भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या होगा, यहां क्या है, कैथोड है, इस तरफ क्या है आपके पास, कैथोड है, ठीक है ना, और इस तरफ आपके पास क्या है बच्चों, एनोड है। क्लियर, और हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड को जब भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो Na प्लस में हाफ ऑफ Cl2 एज ए प्रोडक्ट निकलते हैं। लेकिन ये निकले कैसे, वो हमें कैसे पता चलेगा कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स कि क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन। फिर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तब जाकर के जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। दैट मीन्स कि क्लोरीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां क्या लिखना था मुझे कि Cl माइनस जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खुद में से निकालेगा, एंड हाफ ऑफ क्या, किसका,
सीएल टू का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। कैथोड की तरफ की बात करें तो प्रोडक्ट है ना ये, तो कैथोड की तरफ की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि कैथोड की तरफ है आपके पास सोडियम, सोडियम पॉजिटिव ने क्या किया वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और किसका एनए का, इसने लिबरेशन किया कैथोड की साइड में और इसने लिबरेशन किया है किसकी एनोड की साइड में। क्लियर बात बच्चों ये, तो आई थिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो आपको समझ में आया होगा। तो कल हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बैटरी को कनेक्ट किया जाता है, केमिकल चेंज लाया जाता है, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो हमने एक दो एग्जांपल इसके किए थे। अच्छा एक चलो मैं एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लीजिए अगर आपको ये कहा जाता कि वहां पर आपके पास ना गोल्ड क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, अब क्या होता AgCl है, अगर AgCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो सिल्वर प्लस में क्या मिलेगा आपको क्लोरीन मिलने वाली थी। अच्छा अकेला अगर H2O होता तो आपको पता है क्या होता वहां पे, अगर क्या होता आपके पास सिर्फ H2O होता तो कौन सी गैसेज मिलती आपको, एक तरफ से H2 गैस और दूसरी तरफ से क्या होती ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन होता। ऐसा क्यों है समझ में आई है ना बात, ये इलेक्ट्रोलाइसिस जब है तो आयंस में डिसोसिएट होता है तो एक प्रोडक्ट बनाएगा रिएक्ट ऑक्सीडेशन की तरफ और एक प्रोडक्ट बनाएगा वो किसकी तरफ रिडक्शन करके, मतलब कैथोड और एनोड की साइड में एक एक जो है वो प्रोडक्ट वहां से लिबरेट होते रहेंगे। क्लियर थी बात ये, या इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट होते रहेंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होती थी, विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन के अंदर भाग नहीं लेती, जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती उसे क्या कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में, वो भी करने वाले हैं, लेकिन आज मैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं जो है हमारे पास सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या है, जिसको ईपी कहा जाता है और विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन की बात है, मैं जिक्र ही नहीं करता फिर देखेंगे ये, ठीक है ना, एक बार आप कंफ्यूज मत होना। अच्छा ये भी याद रखना कि बुक के अकॉर्डिंग नहीं है ये, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग से सिस्टम नहीं चल रहा हमारा, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए मैं इसे पहले करवा रहा हूं। Until शायद ये बुक में आपको थोड़ा पहले मिल जाए या फिर इसके बाद भी हो सकता है, ये चेक कर लेना। तो ईपी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या है, सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस याद है क्या, है ना, फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस तो याद होगा, चार्ज क्रिएट होता है, दो डिफरेंट चार्जेस आते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस आता है उसी के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। एग्जैक्टली वही है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट इट इज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट के केस में। आओ देखो फिर क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा ध्यान से देखना कि मानो यहां आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, क्या है यहां पे आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, क्लियर, और हमने मान लिया कि ये कोई भी एक स्टेट के अंदर है, चाहे वो मैं एक्वस स्टेट मान लेता हूं, चाहे हमने उसको क्या मान लिया मोल्टन स्टेट मान लिया, किसी भी एक स्टेट के अंदर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और आपने क्या किया इसके अंदर, आपने इसके अंदर क्या कर दिया बच्चों, एक इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया डिप कर दिया। क्लियर, इतनी बात, नहीं पता कैथोड है कि एनोड है तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा। मान लो वो इलेक्ट्रोड हमारे पास किसका होता एनोड का होता और दूसरी बार मैं इलेक्ट्रोड किसका ले लेता वो कैथोड का ले लेता तो दोनों केस में क्या होता, ये मान लो इलेक्ट्रोड था, यहां मैं कैथोड के बारे में बता दूंगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर आपने किसी भी मेटल का इनर्ट मेटल का मान लीजिए क्या ले लिया, एक आपने इलेक्ट्रोड ले लिया, इसको हमने कौन सा लिया एक बार इनर्ट लिया है, ठीक है ना, जो रिएक्शन में भाग ना लेता, कि हम बेसिक पोर्शन को एक बार समझ पाए। अच्छा ध्यान देना, अगर मैं ये बोलूं कि ये इलेक्ट्रोड इनर्ट थी, चलिए ठीक है मान ली हमने बात, अब क्या होगा इस मेटल के बारे में, ठीक है ना, इस मेटल के अंदर
अब इस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है वो किसी न किसी तो कैटायन की फॉर्म में, एनायन की फॉर्म में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रूप में पड़े होंगे। क्लियर हुई बात है? क्या था कि जब भी मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूं, अच्छा वो पॉइंट रह गया ना, कि जब भी हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया एट दैट टाइम क्या हुआ, आयनाइजेशन हुआ। अब मैंने इलेक्ट्रिसिटी को वहां से क्या कर दिया, हटा दिया, तो क्या हो चुका है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के अंदर से कोई ना कोई एक आयन होगा, चाहे वो पॉजिटिव आयन इसकी तरफ जाए, चाहे वो क्या हो, नेगेटिव आयन जाए। क्लियर है? क्या समझे कि हमने कल किया था ना कि जो आपके पास क्या है, एनोड होता है, जो आपके पास क्या होता है, एनोड होता है, वो हमेशा क्या होता है आपके पास, पॉजिटिव होता है। वो क्या था, पॉजिटिव था। तो मतलब मान लो कि एनोड था तो इसकी तरफ कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। ये क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तभी तो इस पे कौन सा चार्ज बना रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां पे वन पॉजिटिव और यहां पे क्या आया, वन नेगेटिव। दोबारा समझो ये, मैं सही से ना दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया और उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या रख दिया, एक इलेक्ट्रोड को रख दिया। अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन को किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो क्या पड़े थे बच्चों, आयन्स पड़े थे, उसमें से किसी एक को इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और हमें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन कौन, प्लस का जो चार्ज है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, दैट मींस कि एनोड को दिया, एनायन को दिया जाएगा। क्लियर थी बात? तो क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जो मेटल है, जो मेटल की इलेक्ट्रोड है, अगर ये क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन देती है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अगली बार क्या करेगा मेटल, एक बार फिर से क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है आयन को तो इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस का टू चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन को फिर से निकाल दिया जाएगा। फिर एंड जोन चलता जाएगा, ऐसे करते करते मान लो कि इस मेटल ने क्या किया, एन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, लूज कर दिया। समझो बात को, इस इलेक्ट्रोड ने क्या किया, एन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। अब ना ये कुछ केस बन गए कि ये जो इलेक्ट्रोड है इस पे चारों कौन सा चार्ज आ चुका है, इसके अंदर कौन सा चार्ज क्रिएट हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या भर गया है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, उसके किसी आयन ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एक्सेप्ट किया। क्लियर हुई बात है? अब ऐसा जब हुआ तो क्या बना कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया। क्या बन गया, इधर माइनस चार्ज है और इधर क्या है, प्लस चार्ज है। एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम जानते हो ना, इक्विलिब्रियम वैसे तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम तो आएगा सर, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स मैटर ने दिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफर हुए ना, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में प्लस और माइनस के कारण, डिस्टेंस के कारण क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ समझ में आई बात है? दोबारा समझो, डेफिनेशन को समझो कि क्या है। एक क्लियर हुआ ना, एनोड के केस में क्या हो रहा था, पॉजिटिव क्या था, इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव चार्ज आया था किसमें, सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक। अच्छा उस केस में भी देख लो जल्दी से एक बार कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो कि यहां पर जो आयन है उसके पास नेगेटिव चार्ज था और उसने वो नेगेटिव चार्ज किसे दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। इससे क्या होगा, वो आयन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन की तरह। ऐसा जब होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। क्लियर हुई ना बात? अच्छा एक बात जरा समझो, क्या हो रहा था इस केस,
इस केस में कुछ ऐसा हुआ कि नेगेटिव चार्ज को यहां दिया गया, इलेक्ट्रॉन को दिया गया, तो जो आयन था, क्या था आपके पास, जो आयन था उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और खुद पॉजिटिव से किस में आ गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर मैं बोल दूं कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। दोबारा देखो, एनोड के केस में अगर मैंने एनोड लिया था तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को देगा, इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ आएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव एनायंस थे वो क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और खुद क्या करेंगे, अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करते रहेंगे। तो एट दैट टाइम ऑक्सीडेशन हुआ और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में आया उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर हुई बात है, क्या है कि जब कैथोड इलेक्ट्रोड होती है, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में आता है, नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए गए थे, सॉल्यूशन के अंदर किए गए थे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस बना है उसे क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये बताओ ये क्या था, इलेक्ट्रोड नेगेटिव था, सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के डिफरेंस के कारण क्या बनेगा, स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इस केस में क्या हुआ बच्चों, इस केस में हुआ रिडक्शन, और रिडक्शन के केस में उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नाम किसका देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का। कुछ समझ में आई बात, ये क्लियर हुआ मैं जो बता रहा था वो। अब देखो कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, अभी तक मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया ना वो किसका था, वो था बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस, सीधी सी बात, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। समझे बात, मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रोड है और ये इसका इलेक्ट्रोलाइट है, यहां इसके जो आयन पड़े हैं और ये जो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये इलेक्ट्रोड थी, यहां क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, और बच्चों ऐसा हुआ कि दोनों में प्लस माइनस चार्ज डिफर हो गए, क्रिएट हो गए, डिस्टेंस से अपार्ट हो गए, एट दैट टाइम उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए आयंस के बीच में और उस इलेक्ट्रोड के ऊपर आए हुए चार्ज के बीच में क्रिएट हो रहा है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हुई बात है, तो अगर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है इसके पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, उसके ईपी को, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नाम दिया गया है स्पेशल किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। यहीं पर अगर रिडक्शन जिस साइड में हुआ है उस साइड में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ उसे किसका नाम दिया जाता है, आरपी का, रिडक्शन पोटेंशियल का। क्या क्लियर हुई बात है। अच्छा, अगर बच्चों मैं इन्हीं सभी चीजों को अगर कौन सी फॉर्म में लेता, स्टैंडर्ड एस्पेक्ट्स में यूज करता, स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करता तो क्या होता, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं जो मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की ले रहा था, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर, क्लियर बात है, अगर टेम्परेचर की बात करूं, अगर किसकी बात करें अपन, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर आपके पास कितना है, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर प्रेशर की हम बात करें, ठीक है ना, प्रेशर की हम बात करें, प्रेशर कितना है आपके पास, 1 बार है। प्रेशर क्यों जी,
याद रखो, जरूरी नहीं कि जो आपके पास जो क्या लेते हो आप सॉल्यूशन लेते हो वो हमेशा कौन सी फॉर्म में हो आपके पास, जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा मोल्टन में हो। गैसियस फॉर्म भी तो यूज हो सकता था, और गैसियस फॉर्म के अंदर मैं क्या करता हूं, पार्शियल प्रेशर मेजर करता हूं। याद है वेपर फेज में हमें अगर उसके मतलब जो क्या था, हमें नंबर ऑफ मोल्स या मोलैरिटी को कैलकुलेट करना होता था लिक्विड फेज में, वहीं पर वेपर फेज के अंदर मुझे क्या कैलकुलेट करना होता था, पार्शियल प्रेशर। एट दैट टाइम उसका पार्शियल प्रेशर कितना लिया जाएगा, 1 bar लिया जाएगा, अगर वहां पर हाइड्रोजन या क्लोरीन जैसी HCl जैसी गैसियस फॉर्म के अंदर अगर आपको दे रखा था। क्लियर है? तो अगर मैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करूं और फिर मैं किसी बिकर के पास जाकर के उसका ईपी कैलकुलेट करूं, और अगर वो ईपी जो है वो या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या फिर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर है, तो इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। ईपी क्या है सर, इलेक्ट्रोड है, और क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आयन है, दोनों में जो डिफरेंस है वो ईपी। एसपी क्या है और ओपी क्या है सर, इलेक्ट्रोड और आयन के बीच में या तो रिडक्शन होगा या क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिस साइड ऑक्सीडेशन होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिस साइड रिडक्शन होता है उस साइड के पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। और अगर इन्हीं दोनों को स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज करें तो उनको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम क्या करेंगे, नाम दें। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। अब ना बच्चों, बात ये थी कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का पता चल गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पता चल गई और रिडक्शन पोटेंशियल भी पता चल गई, समझ में आई बात है। और हमें क्या देखने को मिला कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये ना पॉजिटिव वैल्यू, मतलब चलो पॉजिटिव नेगेटिव को आप छोड़ो। अब मैंने ये कहा कि किसी बंदे को, किसी भी बंदे को, किसी स्टूडेंट को मैंने ना एक रिएक्शन दिया, तो बोला कि भाई ये ना सॉल्यूशन है, 1 molar सॉल्यूशन है, पूरी की पूरी स्टैंडर्ड कंडीशन है, सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। एसटीपी के ऊपर मैंने बोला कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड वो किसी मेटल एम की बनी हुई, क्लियर, इसके बीच में जो आयन है ना, आप क्या करो मुझे उसके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ। मैंने ये नहीं बताया कि वहां ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, बैटरी थोड़ी कनेक्ट की, समझ रहे हो ना, बैटरी थोड़ी कनेक्ट किया हमने। अच्छा ये भी याद रखना, एक ईएमएफ आता है बेटा, ईएमएफ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि ये पढ़ा हुआ है आपका, लेकिन फिर भी बता दो मैंने क्या कर रखा था, चलो गैल्वेनिक सेल में नहीं बताई देते हैं यार, क्या गैल्वेनिक सेल में, अगर हम किसी सेल से 0 output लेते हैं ना, मतलब एट दैट टाइम याद करो जब मैंने क्या किया था, एक बार बैटरी को कनेक्ट किया और उसके बाद बैटरी को हटा दिया था, मतलब अगर हम वहां से किसी भी प्रकार का यूज नहीं ले रहे, या जो गैल्वेनिक सेल है या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो हमें करंट बना करके दे रहा है, एट दैट टाइम अगर हम करंट को यूज नहीं करते ना, वो क्या होता है आपके पास, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ईएमएफ। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, ईएमएफ को क्या लिखा जाता है, ईएमएफ को ई लिखा जाता है, लेकिन ईपी को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ई नोड बोलते हैं, ईएमएफ को भी क्या बोलते हैं, ई नोड। क्या बोला मैं, ईएमएफ क्या है कि जब भी कोई सेल जो करंट बना रहा था, मैं उससे करंट यूज नहीं ले रहा था, करंट तो उसने बनाया, लेकिन हमने क्या किया, जितना करंट उसने बनाया उसी सर्कुलेशन में चलता रह गया। दैट मींस कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, गैल्वेनिक सेल से किसी भी करंट प्रकार का करंट यूज नहीं किया गया, एट दैट टाइम उसके पास जो फोर्स थी, जो पोटेंशियल है, उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ई नोट लिखा जाता है, याद रखना, याद आगे बात इसलिए बता रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत बार बुक के अंदर क्या, ई नोट लिखा जाता है, याद रखना बात है। तो कभी ये मत कर लेना कि आप ईएमएफ को क्या समझ लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी ई नोट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या यूज किया जाता है, इसको लिखा जाता है।
चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। जो मैं पूछ रहा था वो ये था कि मान लो आपके पास, किसके बीच में था वो भूल गए हम, मान लो आपके पास जो मेटल है, इस मेटल के ऊपर ना हमें पता कि पॉजिटिव चार्ज आया या फिर ना हमें पता नेगेटिव चार्ज आया। तो दो बंदे थे, एक का नाम राम है और एक का नाम क्या है, श्याम है। दोनों को मैंने ये काम करने को बोला। राम ने बोला कि सर इस पे नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, तो मतलब सर मैंने तो इसका निकाला है ओपी। राम ने बोला कि मेरे हिसाब से इसका क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, और पोटेंशियल तो वोल्ट में आता है, तो समथिंग वोल्ट बता दिया उसने, क्लियर। अच्छा फिर मैंने श्याम को कहा यह एक्सपेरिमेंट करने को, श्याम ने बोला कि सर ऐसा हुआ कि इसका अगर पहले पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिए थे तो इस बार मेरे को नेगेटिव ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब अब क्या हुआ, इस पे नेगेटिव, यहां पे क्या था पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आएगा। लेकिन क्या जो देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा कि यहां तो क्या हुआ सर, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन। इसका मतलब श्याम ने बोला कि सर मैंने जो पोटेंशियल निकाला वो क्या है, मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, क्लियर। तो अब कंफ्यूजन, राम ने बोला कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, श्याम ने बोला कि रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों बराबर थोड़ी ना हो सकते थे, समझ रहे हो ना बात। अगर मैं ये कहूं कि किसी मेटल की खासियत है कि वो इजिली रिड्यूस हो जाए, 100% मुश्किल से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, समझते हो ना बात ये। अरे समझ रहे हो ना कि अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, इसका मतलब क्या है कि वो इजिली क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है ना। अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, दैट मीन्स कि वो इजिली क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। इजिली क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर बात ये, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई होता है तो इजिली क्या होता है, रिड्यूस होता है, क्लियर। और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है, तो इसका मतलब वो इजिली क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है ना, याद रखना। तो मैंने क्या बोला कि जरूरी थोड़ी है कि जितना पोटेंशियल लेकर के वो रिड्यूस होता है उतना ही वोल्टेज बैटरी से लेकर के उतने ही वोल्टेज से वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, ये तो जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब दोनों जो क्वालिटीज क्वांटिटीज हैं वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, कि जितना पोटेंशियल रिडक्शन के लिए चाहिए उससे ज्यादा या कम पोटेंशियल उसको ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए होगा। तो अब कंफ्यूजन कि कोई बच्चा रिडक्शन पोटेंशियल देखता है, कोई बच्चा क्या करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखता है, तो गलतियां तो होंगी, दिख रही है बातें, सही है, तरीका सही होगा, ऑक्सीडेशन करो रिडक्शन करो, बात तो एक ही सेल के बारे में है, लेकिन फिर भी गलती क्यों, क्योंकि कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज कर रहा है, कोई रिडक्शन पोटेंशियल। तो आईयूपीएसी ने क्या किया, इस सिस्टम को ठीक किया और बोला कि आज के बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कुछ समझ में आई बात, क्या कहा उन्होंने, बोला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को छोड़ दो, यूज करो, निकालो, हम आपको एक नया तरीका दे देंगे उसको यूज करने का, लेकिन आप बस इतना करो कि हर एक टर्म की रिडक्शन आरपी वैल्यू लिखो, ओपी वैल्यू लिखो ही ना। अब आसान हो गए, अब चाहे मेरे पास पोटेशियम हो, चाहे मेरे पास क्या हो, क्लोरीन हो, चाहे उसका ऑक्सीडेशन होता हो, चाहे उसका रिडक्शन होता हो, मुझे हर एक की आरपी वैल्यू याद करनी पड़ी या एसआरपी वैल्यू याद करनी पड़ी, ओपी का कोई चक्कर ही नहीं रहा। हालांकि ऑक्सीडेशन हुआ तो भी हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए, रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल होता ही है, क्लियर। तो क्या है कि आपकी बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट रिडक्शन पोटेंशियल ही, क्योंकि आईयूपीएसी ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस में बदल दिया, रिडक्शन में। रिडक्शन पोटेंशियल होता है और बदला कैसे, कि सर अगर ये कहा जाए कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो आप क्या करो, माइनस ऑफ आरपी कर दो, और अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो आप माइनस ऑफ क्या कर दो, ओपी कर दो, खेल खत्म। बात तो समझ गए, बात तो आप समझ गए ना, कि अगर किसी इलेक्ट्रोड को रिड्यूस होने के लिए उतना करंट चाहिए, उतना करंट उतना वोल्टेज चाहिए, तो ऑक्सीडाइज होने के लिए उतना देना पड़ सकता है, उतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ सकते हैं,
तो क्लियर है। अगर जितना मैं प्लस में लेता हूं एट दैट टाइम अगर वो क्या है मेरे पास प्लस की जो वैल्यू है अगर वो क्या है रिडक्शन पोटेंशियल है, तो बुक में जिन भी चीजों के आगे माइनस वोल्टेज लिखा होगा ना इसका मतलब समझ लेना कि उसका क्या हुआ था ऑक्सीडेशन हुआ था। क्वेश्चन आता है इसमें से मैं 100% लिख के दे सकता हूं, जेई के अंदर 100% ईपी पे क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज कर दिया जाता है किसको लेके, ईएमएफ को लेके, ईबी को लेके और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर के, बस चार बातों के ऊपर। तो ध्यान से देखना इन चीजों को कि ये क्या है, ईएमएफ क्या है, आया था पिछली बार ईएमएफ पे क्वेश्चन, ईपी क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे माइनस लगा होता है या नहीं होता, कई बार नहीं होता तो मतलब उसने ओपी दिया है, मुझे आरपी बनाना पड़ेगा उसे कैलकुलेट मतलब न्यूमेरिकली सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो ये था बच्चों किसके बारे में, रिडक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। आज हमने किया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, फिर हमने रिडक्शन को समझा और ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल को समझा। आफ्टर दैट हमने देखा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। इसके बाद हमारे पास है क्या कि जो है ईएमएफ के बारे में और ईपी के बारे में तो कर लिया। हाँ, आईपीसी ने आरपी को ओपी बनाने के लिए क्या किया या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लियर है ना। अब बस इतना याद रख लो जो हम कल यूज में लेने वाले थे, अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो इजीली क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। वो देख लो आप, एक बात देखो, मान लो मेरे पास ना लिथियम, लिथियम पे क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान से देखना, लिथियम पे है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे के क्या करना चाहता है, नोबल गैस कंफिगरेशन को लाना चाहता है खुद के अंदर, है ना। क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन दे के एनजीसी नोबल गैस कंफिगरेशन को बनाएगा, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिथियम पॉजिटिव मिला, क्लियर। क्या किया लिथियम ने, एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या किया लिथियम था उसने एक इलेक्ट्रॉन खुद में से निकाला, तब जाकर के वो क्या हुआ ये बना Li पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ सर ये जो जीरो से प्लस पहुंच गया मतलब खुद को क्या कर लिया इसने ऑक्सीडाइज कर लिया, और अगर खुद को ऑक्सीडाइज करता है तो उसका निकलता है पोटेंशियल कौन सा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब मैं अगर लिथियम को लेता तो वहां उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना पड़ता, क्लियर है ना बात है। अच्छा ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है क्या ये ज्यादा है, ध्यान से देखो, लिथियम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है क्योंकि एक रिएक्टिव मेटल है, क्या है ये को? रिएक्टिव मेटल है, इजिली इलेक्ट्रॉन निकाल करके स्ट्रॉन्ग से किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, लिथियम आयन का फॉर्मेशन कर रहा है जो किसमें है एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुका है, मतलब सॉरी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया जो काफी ज्यादा स्टेबल है उसकी पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन से, क्लियर है। अच्छा एक बार लिथियम पॉजिटिव बन गया, मैं चाहता हूं कि मैं इसे क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन दूं, एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये किस में बन कन्वर्ट होगा, लिथियम के अंदर। अब जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया इस समय ये क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल था, है कि नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे मान लो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था। बस इतनी ही बात में समझ आ जाएगी बात कि जब लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीडेशन हुआ, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने लिख लिया, लेकिन अगर मैं उसी मेटल के आयन को एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं जो पहले इजिली क्या हुआ था ऑक्सीडाइज होगा, इजिली ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, मतलब उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, काफी ज्यादा आपको हाई मिलने वाली थी, ओपी की वैल्यू क्या होगी, काफी ज्यादा हाई होगी। तो जो लिथियम है
मतलब अगर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके दोबारा उस फोम को अगर बनाना चाहे तो ऐसा करना उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा, टफ होगा, है ना, हार्ड है, इम्पॉसिबल सा लगेगा उसे, क्योंकि उसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन दे करके तो कौन सी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन प्राप्त की थी ना, और वो तो पहले से ही क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो वो स्टेबिलिटी को छोड़ करके क्या करेगा, अनस्टेबल तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, दैट मींस कि उसका क्या नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा, क्लियर है। इसका मतलब यह है कि उसके जो एसआरपी की वैल्यू है वो बहुत ही क्या है, कम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या है, कम है, और यही तो दिखाया था मैंने, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है तो वो रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस नहीं हुआ क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लो है। कहां देखोगे, जब करोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, जब किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम किसी मेटल की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं वो किस ऑर्डर में है। जितने भी मेटल हैं हम करेंगे, मतलब काफी सारे मेटल हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम ऑलमोस्ट 20 मेटल्स को बढ़िया तरीके से याद कर लेना, कि देखते ही हमें याद आ जाए कि हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करेगा, तो उन 20 एलिमेंट से हमारा काम चल सकता है। तो याद रखना ये कि जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करेंगे तब समझेंगे, ये पूरा पोर्शन वहां भी काम आएगा, मैं फिर से तो नहीं बताऊंगा इसको, चलो वहां पे उसका तो बता देंगे अगर टाइम मिला तो। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, है ना। आज हमने किया किसके बारे में, कि कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जब प्रोडक्ट बनाता है तो हमें आयंस के बारे में पढ़ना जरूरी था, उनके पोटेंशियल के बारे में पढ़ना जरूरी था, तो हमने उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ई नोट ई एम एफ, आफ्टर दैट हमने पढ़ा है उनकी स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में, कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है तो वो क्या होता है, इस चीज का यूज आएगा कल, ठीक है ना। अगर आरपी क्या है किसी का, एसआरपी अगर किसी का क्या है, हाई है, इसका मतलब वो आसानी से क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, और अगर किसी का एसआरपी क्या है, लो है, तो इसका मतलब वो आसानी से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मैंने एसआरपी ही यूज किया, कारण क्योंकि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी माइनस लगा करके क्या कर देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बना देते हैं। क्लियर है बच्चों बात, ये आज के लिए बस इतना ही, बाकी करते हैं कल की हमारी वीडियो के अंदर, जिसका मेन जो टॉपिक रहेगा वो होगा प्रोडक्ट्स ऑफ किसके, इलेक्ट्रोलाइसिस के, ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।